कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। It's okay. You're only human. There's some things you can do and some things you can't. इंडियन सुपर हीरो का नाम लिया जाता है तो उसमें एक का नाम सबसे ऊपर होता है। काफी लंबे समय से हम की नेक्स्ट मूवी देखने के लिए बस ऑफिस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के थर्ड पार्टी को रिलीज हुए काफी सुना हो गया है, लेकिन अभी तक इसके फोर्थ पार्ट को लेकर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। और अब जाकर फिल्म के फोर्थ पार्ट को लेकर खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब इस फिल्म के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट्स आ रही है कि पहले जहां इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2024 में जनवरी के महीने में शुरू होनी थी, वो अब जाकर 2024 के लास्ट में शुरू होगी, क्योंकि अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है और सुनना भी। फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है बड़े खतरनाक तरीके से और फिल्म की स्टोरी पर काफ़ी टाइम रखने वाला है, क्योंकि मेकर्स क्रिश्वो को काफ़ी यूनिक स्टोरी के साथ बनाना चाहते हैं और अब की बार में हमें स्टोरी के साथ साथ कमाल का देखने को मिलने वाला है। इसलिए अब इस फिल्म के लिए हमें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और मेकर्स का कहना है कि 2024 के लास्ट तक फोर मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग में काफ़ी लंबा समय लगेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी ऋतिक रोशन भी अपनी आने वाली दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। अब ऋतिक रोशन अपनी फाइटर को भी की शूटिंग में लगे हुए हैं जो अगले 2-3 महीनों में पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन वॉर 2 मूवी पर काम शुरू कर देंगे और वॉर 2 फिल्म काफ़ी बड़ी फिल्म है जिसमें टाइगर और पठान जैसे हीरो भी मौजूद हैं, इसलिए इनकी शूटिंग में काफ़ी लंबा समय लगेगा। बोर्डो की शूटिंग 2024 के लास्ट तक कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन की शूटिंग में लग जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब की बार ईश्वर को एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है और अब की बार हॉलीवुड की लेवल की वे फिक्स यूज़ की जाएगी। अगर 2024 के लास्ट तक की शूटिंग शुरू हो जाती है तो इसके बाद ये फिल्म हमें 2026 के मिड तक देखने को मिल जाएगी, उससे पहले तो ये फिर हमको देखने को मिलने वाली है नहीं। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में लीड रोल में ऋतिक रोशन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर ये अपडेट सामने नहीं आया है कि फिल्म में हमें प्रियंका चोपड़ा देखने को मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि फिल्म की स्टोरी को इसके लास्ट पार्ट से एक कंटिन्यू किया जाना है और लास्ट पार्ट में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा दोनों दिखाए गए थे। इस तरह काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा से हमें करेक्ट पूरे प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की जोड़ी देखने को मिले। फिल्म के डायरेक्टर को लेकर भी काफ़ी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब की बार क्रिश्वो को राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करने वाले, अब की बार क्रिश्वो को करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनाया जाने वाला है, लेकिन राकेश रोशन करण मल्होत्रा की फिल्म के डायरेक्शन में मदद करेंगे। अब देखना ये होगा कि करण मल्होत्रा फो को किस लेवल के डायरेक्शन देते हैं, पर अभी हमें मूवी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ऋतिक रोशन की और दो बड़ी मूवी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय का ख्याल रखें।